एमपी में एक बार फिर तेंदुए ने एक मासूम को अपना शिकार बनाया। तेंदुआ बच्चे को उसके माँ बाप के सामने उठा कर ले गया, बाद में उसकी लाश मिली। दरअसल मामला सीधी जिले के संजय गांधी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है, जहाँ 4 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा कर ले गया। ये घटना गुरुवार शाम उस वक्त हुई जब परिवार के सदस्य खेत में काम कर रहे थे और बच्चा पास ही खेल रहा था। इसी दौरान घात लगातार बैठे तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। परिवार ने बच्चे को जंगल में ढूंढा तो कुछ दूरी पर खून से लथपथ उसका शव मिला, जिसे वह बोरे में भरकर घर ले गए। पुलिस को सूचना मिली तो शव को अस्पताल ले जाया गया। घटना जिले के आदिवासी अंचल कुसमी जनपद की पौड़ी पंचायत की है। गुरुवार को यहां के पौड़ी टवंडिया टोला का रहने वाला किसान विष्णु सिंह परिवार के साथ धान की कटाई कर रहा था। पास ही खलिहान में उनका 4 साल का बेटा संतोष भी खेल रहा था। शाम का वक्त था, इसलिए परिवार के लोग बचा हुआ काम जल्द खत्म कर घर लौटने की तैयारी में थे। तभी तेंदुआ बच्चे को दांतों में दबाकर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। किसान विष्णु सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ धान की बिजाई कर रहा था, तभी उसके 4 साल के बेटे को तेंदुए जंगल की तरफ ले भागा। पिता विष्णु बहादुर सिंह ने बताया वह अपने खलिहान में धान को अपने घर की तरफ रखने जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी काम में हाथ बटा रही थी। कुछ देर बाद वह साइड में बैठ गई, उसके पीछे संतोष खेल रहा था। अंधेरा होने लगा था, पत्नी ने सोचा कि आग जला दूं ताकि काम के बाद अलाव ताप लेंगे। वह जैसे ही संतोष से दूर गई तो घात लगाए बैठा तेंदुआ बच्चे को जबड़े में दबा ले गया। उसने शोर मचाया और गाँव वालों को बुलाया। वह जंगल की तरफ ढूंढने निकले। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदु के पेड़ के पास बेटे के खून से लथपथ लाश मिली, जिसे बोरे में उठाकर वह अपने घर तक ले आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। ग्रामीण प्रवीण शुक्ला ने बताया कि जैसे ही बच्चे को ले जाते देखा, उसका पिता विष्णु सिंह और परिजन तेंदुए की तरफ भागे, लेकिन वह तेज रफ्तार से जंगल में भाग गया। आसपास मौजूद 50 ग्रामीणों की मदद से जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया गया और करीब 1 घंटे बाद झाड़ियों में बच्चे को ढूंढ लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और तेंदुए ने बच्चे की जान ले ली थी। चौकी प्रभारी पौड़ी आईबी सिंह ने बताया कि देर रात हमें सूचना मिली थी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे बच्चे की मौत हो गई थी। शुक्रवार को बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। विभाग के अधिकारियों को भी घटना की सूचना दी गई है। अब मलकिन वही खड़ा था, वो सोचते हैं कि हम घर में थोड़ा आगे जला दें। जैसे उनको पीछा दिया हुआ, वो तेंदुआ ने उठाकर बच्चों को ले गया। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.